हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल हो रहा है मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम, यानी कि हमको लग रहा है कि 5 बज रहा है। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं बनाऊँगी बच्चों लोग का लंच, और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। नहीं तो कभी जब पहले उठ जाती हूँ तो पोछा भी लग जाता है, और इसके बाद बच्चे लोग का लंच बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग को मतलब 6 बजे तक उनका लंच और उनको खिला पिला के रेडी कर देना है। तो इसलिए कि बन जाए तभी खा पाएंगे, इतना गर्म गर्म तो तुरंत खा भी नहीं पाएंगे, थोड़ा ठंडा होगा तो खाएंगे। और लंच भी थोड़ा ठंडा करके ही मैं डालती हूँ, क्योंकि गर्म लंच में तुरंत नहीं डालती हूँ कि बंद करके देंगे तो ख़राब हो जाएगा वो चीज़। तो इस वजह से तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 5:15 हो गया था, तो आज मैं मेरा आँख खुला तो फिर मैं फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि कितना भी लेट होता है मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि बच्चे लोग को जाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का उत्पम। तो सब्जियाँ ज़्यादा था नहीं मेरे पास, सिर्फ टमाटर प्याज था, तो उसी का मैंने यहाँ पे कर दिया है। और घोल पहले ही मैंने बना के रख दिया था, झाड़ू लगाने से पहले ही मैं घोल के दही और सूजी को रख दिया ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि ये पानी बहुत ही एब्जॉर्ब करती है सूजी। तो इस वजह से मैंने घोल के पहले ही रख दिया था। और अब इसके ऊपर मैं प्याज टमाटर डाल दूंगी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। तो इस तरीके से हमारा नाश्ता बहुत ही सिंपल ज़्यादा सा बन जाएगा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे लोग खा भी लेते हैं आराम से। और तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ और लंच में भी रख दूँगी, और इसी में से एक एक दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा खाते नहीं हैं लोग, थोड़ा बहुत खाते हैं बहुत ये करने पे। और मैं सुबह सुबह दूध इसलिए नहीं देती हूँ कि क्योंकि सुबह सुबह तुरंत मतलब ब्रश करके ही दूध देने से वो क्या होता है कि गैस बनता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत ये लोग खा ले, 2-4 बाइट जितना ही खा सके उतना खा ले, क्योंकि इतना सुबह तो देखिए खाया भी नहीं जाता है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खा ले ये लोग, तो बस थोड़ा थोड़ा ये लोग खाएगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ बनाना शेक बनाने, क्योंकि बच्चे लोग बोले कि नहीं मम्मी खाएंगे नहीं, तुम बनाना है तो शेक ही बना दो, तो वो ही हम लोग पी लेंगे। तो मैं सोची कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह बनाना शेक पिया जाता है, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैं यहाँ पे मैं शेक बना रही हूँ, और ये जो बनाई हूँ लंच वो ठंडा होने के लिए रख दी हूँ और लंच बॉक्स निकाल के रखी हूँ, अभी मैं पैक करूँगी, पहले शेक बना के इन लोगों को दे देती हूँ। और जितना आप जल्दी सुबह उठिएगा ना, आपका काम उतना ही फटाफट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब काम ख़त्म हो गया, मतलब सारा ही काम निपट जाता है। अगर मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो मेरा काम 9-10 बजे तक मैक्सिमम सारा ही काम निपट जाता है, जैसे कि हस्बैंड को भी भेजना होता है झाड़ू पोछा, और उनका भी लंच, बच्चे लोग का लंच अलग, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये सब नहीं खाते हैं, तो मतलब सूजी का ये इडली हुआ, उत्पम हुआ, मैगी, चाउमीन, पास्ता, ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनका लंच अलग, नाश्ता अलग, बच्चे लोग का अलग, झाड़ू पोछा अलग, मतलब सुबह में आप समझ सकते हैं कितना सारा काम होता है, कपड़े धोना, डालना, नहाना, पूजा करना, सारा ही काम। तो मतलब जल्दी उठती हूँ तो फटाफट काम निपट जाता है सारा का सारा, समझ में नहीं आता है कि कितना जल्दी ही काम निपट गया। तो देखिए बच्चे लोग चले गए मेरे, और मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी कट करूँगी, और यहाँ पे मैं चाय भी बैठा दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के जाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ आराम से। तो चाय बैठा के इसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लूँगी, और इसके बाद आ जाऊँगी नहाने, सब्ज़ी कट के धो के रख दूँगी, और इसके बाद जाऊँगी नहाने पूजा करने, इसके बाद आऊँगी तो फटाफट से उनका भी हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे तक वो भी निकल जाते हैं, तो उससे पहले ही हो जाना चाहिए, और मेरे पूजा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ पर सब्ज़ी काट के धो के रख देती हूँ, आटा भी लगा दूँगी,
तो जल्दी हो जाएगा, तब तक नहा पूजा करके आऊँगी, तब तक ये सब बन जाएगा मेरा जल्दी फटाफट से, वो नहाएंगे तब तक। तो इस तरीके से मैं अपना कुछ काम करती हूँ या कुछ प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रख देती हूँ, जैसे कि सब टाइम मिला रात में तो सब्जी कट के करके रख देती हूँ, या बच्चे लोग का ही कुछ बनाना होता है उसमें थोड़ा बहुत करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से काम आसान हो जाता है अगर हम चाहें तो अपना काम सारा। देखिए मैं कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं लगाई हूँ, अभी मैं हटा दी हूँ क्योंकि मैं खुद से सारा काम करना चाहती हूँ, और मतलब अच्छा भी लगता है कि अपना काम थोड़ा अच्छे से आदमी कर लेता है और टाइम पे भी हो जाता है, तो इस वजह से। और अब यहाँ पे मेरा सारा ही काम हो गया है, मतलब कि मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली, हस्बैंड को भेज दी और मेरा बर्तन भी धुल गया, मतलब सारा काम। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि बर्तन को स्टैंड में लगा रही थी कि सारा बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, इसके बाद कपड़ा जो सुखा के लाऊँगी उसको फोल्ड करूँगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका भी काम मतलब आसानी से फटाफट से हो जाएगा। और अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, और मैं जो कपड़ा लेके आई थी सूख गया था सारा कपड़ा, तो वही मैं यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो मेरा कपड़ा एक दिन का फोल्ड नहीं ही होता है, और छूट जाता है तो छूटते रहता है, और उसी पे सब रखते जाते हैं लाला के, मतलब दो दिन तीन दिन का हो जाता है कभी कभी, तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो मैं फोल्ड करती हूँ, क्योंकि यही एक काम है जो मुझे मतलब नहीं करने का मन होता है, मतलब लाती हूँ सुखा के फिर रखते जाती हूँ, फिर एक दिन करके फोल्ड करती हूँ। मैंने सोचा आज की नहीं, ऐसा नहीं करूँगी, आज मैं हाथों हाथ फोल्ड कर दूँगी। तो हाथों हाथ देखिए काम करने से तो हो ही जाता है, जल्दी काम हो जाता है और आलस भी नहीं आता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, और किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर किसी वजह से थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये सबको पता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, तभी और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो और किस तरीके का आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद है या रेसिपी देखना पसंद है, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें आप लोग के पसंद से शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।